हाय एवरीवन, आप सबके फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज है सोमवार और आज मेरा एग्ज़ाम था। अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम दे करके और एग्ज़ाम से बाहर निकल गए हैं। इधर घूमने के लिए आए थोड़ा दोस्तों, ये नागपुर का महाराजा जू है, जो ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। यहाँ पे छोटा सा चिड़ियाघर है, वही देखने के लिए आए हैं। चलिए आप लोग आज दिखाते हैं नागपुर का महाराजा जू। तो बने रहिए इस वीडियो में और दिखाएंगे पूरा। तो दोस्तों, टिकट का दाम 30 रुपया है, मात्र 30 रुपया। बच्चे के लिए 15 रुपये लगाया जाता है। उल्लू है यार, बचना है यार। और देखिए यहाँ पे क्या उल्लू बनाया हुआ है, उल्लू पेड़ पे बैठा हुआ उल्लू। दोस्तों, इधर बच्चा का खेलने के लिए बनाया गया है, ये बच्चा लोग खेलता है। उधर में देखिए गाय उड़ी लगा हुआ है और कुछ इस तरह से है। शुतुरमुर्ग 1 2 3, एक और था ना, तो गाइस ये शुतुरमुर्ग है, सबसे बड़ी पक्षी। यही ना होता है सबसे बड़ा पक्षी, शुतुरमुर्ग। दोस्तों, ये तरह तरह की चिड़ियाँ हैं। पैरोट, छोटा वाला पैरोट दिख रहा है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्टेट बर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया में जिस जिस स्टेट में जौन पक्षी रहता है उसका पूरा ये बनाया गया है। गुजरात में फेमिंगो, मध्य प्रदेश में एशियन पैराडाइज, छत्तीसगढ़ में कॉमन हिल मैना, इस तरह से पूरा बनाया गया है गाइस। एक करण पोपट है गाइस, बड़ा वाला। तो गाइस ये गोल्डन कोल्हा है। तो गाइस ये है स्टेट एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन स्टेट्स में कौन कौन एनिमल्स रहता है वो इसमें पूरा लिखा गया है। तो गाइस इधर देखिए बंदर कितना आराम से बैठ के खा रहा है, मस्ती कर रहा है एकदम। दोस्तों देख सकते हैं टाइगर बिल्कुल एकदम बैठ के इधर उधर ताक रहा है, कितना मज़ा है इसका। लेकिन दोस्तों, जंगल के रहने वाले और सोचिए कैदी के रूप में रहता है, इतना दिक्कत होता होगा इसको भी। लेकिन फिर भी खाना उना टाइम से दिया जाता होगा, बैठ के एकदम ताक रहा है। तो दोस्तों देखिए, दो लेपर्ड यहाँ पे बैठा हुआ है एकदम अंदर में बैठ के। तो गाइस ये देखिए दो भालू आपस में दोनों झगड़ा कर रहा है, और एक इधर साइड में भालू है। देखिए इधर में एक भालू दिख रहा है आप लोगों को। ओए इधर आ, इधर इधर, नहीं सुन रहा गाइस, उधर अपना धुन में है। देखिए और इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला पिंजरा में दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए दो भालू यहाँ पर एकदम बाहर जाली के पास बैठ के, लो लो खाएगा। इसका मुंह कितना बड़ा है, एकदम बड़ा सा दिख रहा है, मुंह पे बाल है, मुंह कितना बड़ा है, खाएगा तो पकड़ लेगा। ये सर्वाहारी जंतु होता है दोस्तों, भालू। दोस्तों देख सकते हैं हिरन कितना ज़्यादा है, बड़ा बड़ा सिंह भी है और किसी का छोटा सिंह है। और उधर में देखिए दो बच्चा है, एकदम छोटा सा, सब बकरी का बच्चा है, उतना ही बड़ा बच्चा दिख रहा है गाइस उधर साइड में। सब देखिए अब अपने अपने घर में जाने लगा, वहाँ बाहर में जिस समय खेल रहा था सब लोग खा रहा था, अभी देखिए सब अंदर में लाइन से जाने लगा। भाई इसका सींग देखने कितना बड़ा है, ये हिरन का सींग कितना बड़ा है, वाह वाह। दोस्तों ये देखिए नील गाय है, जंगली गाय, वो इसका बहुत स्पीड तेज़ दौड़ता है गाइस। अभी जस्ट खाना दिया गया है, सब लोग खा रहा है, पानी पी रहा है। दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, देखिए ये मेरे पीछे नील गाय है। और इस चिड़ियाघर में ज़्यादा जानवर की संख्या नहीं, 1-2 हिरन ज़्यादा है और नील गाय की संख्या ज़्यादा है, बाकी ज़्यादा नहीं रहता है। और टिकट का दाम 30 रुपया है गाइस, 30 रुपया सोच एक व्यक्ति का। दोस्तों दो मगरमच्छ पड़ा हुआ है, लग रहा है कि मर गया है जिस तरह से पड़ा हुआ है। खाना ना नहीं मिला है क्या इसको, कांटा कांटा दिख रहा है पूरा, इसका पूछ पर पूरा कांटा है। ले चलते हैं आप लोग को मछली घर में और तरह तरह के मछली दिखाते हैं आप लोग को। तो दोस्तों मछली का साइज देखिए कितना छोटा छोटा बारीक है, और कलर अलग अलग कलर में सब मछली दिख रहा है।
तैर रही है बिल्कुल आराम से। गाइस ये ब्लैक कलर का मछली है और ये थोड़ा बड़ा है, साइज में बहुत बड़ा है। इसमें दोस्तों ये भी मछली है, ये शायद पहाड़ी मछली है। दोस्तों ये ब्लैक मछली बिल्कुल बड़ा है, इसका पंख भी बड़ा बड़ा है, दोनों साइड में पंख बड़ा बड़ा दिख रहा है। गाइस ये मछली बिल्कुल दम पतली है और लंबा बेहेल जैसा दिख रही है, बेहेल मछली होती है वैसा बड़ा वाला दिख रहा है। और गाइस ये तो और पतला है, इसका भी पंख बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये मांगूर टाइप पर दिख रहा है, लेकिन मांगूर नहीं है, ये दूसरा मछली कोई है। इसमें भी एक येलो कलर का है, दो ब्लैक है, अलग अलग है, एक वाइट भी है। गाइस ये मछली देखिए बिल्कुल इसका पंख बहुत बड़ा बड़ा और येलो है दोनों बिल्कुल दम। इसका मुंह गाइस एकदम पतला है। दोस्तों ये मछली देखिए कलरफुल, ये चिकलेट मछली है और ये देखिए स्कार फिश है, ये भी छोटा मछली है। गाइस ये मछली देखिए बिल्कुल पतला है और लंबा, अजब अजब तरह का मछली है, नाम भी सबको पता नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं दोस्तों कि आप लोग बताएं। और इसका मुंह तो पूरा लंबा दिख रहा है। गाइस ये सबसे सुंदर मछली दिख रही है, इसका आँख गाइस कितना बड़ा बड़ा है, शरीर से बड़ा आँखें दिख रहा है, दोनों ब्लैक ब्लैक बाहर आँख दिख रहा है, एक काला है और एक येलो कलर का। तो मछली देखने के बाद हम लोग बाहर निकल गए और मछली बहुत ज़्यादा था, फिलहाल अब भूख लग गया है तो थोड़ा खाने की व्यवस्था करते हैं और खाने जाते हैं।